आमतौर पर आजकल जब लोग वृंदावन जाते हैं तो कुछ तीन चार गिने चुने मंदिरों के दर्शन करके वापस चले जाते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा उनके पास जानकारी भी नहीं है। वैसे तो वृंदावन में 6,000 के आसपास मंदिर हैं, लेकिन वृंदावन के कुछ मुख्य 7 मंदिर हैं जिनको वृंदावन के गोस्वामियों ने बसाया था। 5,000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके चले गए तो उस समय सब कुछ लुप्त हो चुका था, वृंदावन भी खाली हो चुका था। तो फिर उनके जो ग्रेट ग्रैंडसन थे वज्रनाभ, उन्होंने अपने गुरु के निर्देशन शांडिल्य मुनि की आज्ञा से परीक्षित महाराज की सहायता से फिर से वृंदावन को बसाया। कुंडों का निर्माण किया गया, भगवान के अर्च्य विग्रहों की स्थापना की गई, अलग अलग स्थानों को वहाँ पे जो लीला घटी थी उसके बाद नाम दिया गया, गांव बसाए गए, और इस तरह से वृंदावन फिर से फलने फूलने लगा, लेकिन समय के प्रभाव के कारण फिर लुप्त हो गया। 500 साल पहले तक वृंदावन वैसे ही लुप्त रहा, लेकिन वही श्री कृष्ण जब राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस जगत में फिर से प्रकट हुए तो उन्होंने अपने मुख्य शिष्य जो कि 6 गोस्वामी जिनको वृंदावन का कहा जाता है आज भी, उनके द्वारा वृंदावन को फिर से बसाया। ये 6 गोस्वामियों के नाम थे श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो बहुत सारे इनको आदेश मिले, उसमें एक मुख्य आदेश था मंदिरों का निर्माण करना और भगवान के अर्च्य विग्रहों की स्थापना करना, खोए हुए स्थानों को फिर से ढूंढकर जगत के सामने प्रकट करना। तो उसी में श्री सनातन गोस्वामी, उन्होंने वृंदावन का पहला मंदिर बसाया था जिसका नाम है राधा मदन मोहन मंदिर। इसके पीछे की क्या कहानी है आइए सुनते हैं। तो सनातन गोस्वामी वृंदावन में रह रहे थे, जगह जगह घूमकर लोगों से मिलते थे, उनको आज भी वृंदावन का गुरु माना जाता है, सबसे बहुत अच्छे संबंध थे। एक दिन घूमते घूमते वो मथुरा पहुंचे तो एक चौबे नाम के एक ब्राह्मण के घर में देखते हैं भगवान का एक सुंदर मूर्ति है कृष्ण का, और उसके साथ उनके बच्चे खेल रहे हैं जैसे हमारे उनके मित्र हों। तो सनातन गोस्वामी बहुत गुस्सा हो गए, ब्राह्मण को डांटा, बच्चों को डांटा कि ऐसे थोड़ी भगवान के साथ व्यवहार किया जाता है। तो उन्होंने कुछ नियम कानून लागू कर दिए, इस विधि से भगवान की सेवा करो, और वो चले गए। और रात को उनके भी सपने में भगवान आए, ब्राह्मण के सपने में भगवान आए। तो भगवान ने सनातन गोस्वामी को कहा, मैं ऐसे ही खुश था जिस तरह से बच्चे मेरे साथ खेलते थे, वैसे ही मुझे चाहिए था, अब तुमने इतने नियम लगा दिए, मुझे उतनी कुछ खुशी नहीं है वहां पर। और ब्राह्मण को भगवान ने सपने में कहा कि तुम्हारे बहुत सारे बच्चे हैं, तुम मुझे भी बच्चे की तरह पूछते हो, लेकिन मुझे तुम सनातन गोस्वामी को दे दो। सनातन गोस्वामी अगली सुबह आए ब्राह्मण से माफ़ी मांगने के लिए, ब्राह्मण इनसे माफ़ी मांग रहे हैं, और दोनों में अच्छा व्यवहार हुआ, प्रेम का आदान प्रदान हुआ, और जो विग्रह थे भगवान के जिनको मदन मोहन कहा जाता था उनको लेकर सनातन गोस्वामी आ गए। लेकिन भगवान ने उनसे पहले जब कहा कि मुझे लेकर चलो, तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, देखो मैं तुम्हें कुछ खिला पिला नहीं पाऊंगा, मैं तो खुद साधु हूँ, तुमको रहने की आदत है ठाट बाट में, राजकुमार हो, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो मदन मोहन ने कहा, नहीं तुम मुझे जो भी सौंप दोगे मैं स्वीकार कर लूँगा। तो इस तरह से आकर सनातन गोस्वामी मदन मोहन को लाकर रहने लगे, और रात के समय उनको पेड़ के अंदर थोड़ा वो रख देते थे बारिश से या सर्दी से बचाने के लिए। और वो द्वादश आदित्य टीला जहाँ पर मदन मोहन मंदिर आज स्थित है जमुना जी के किनारे, वहाँ रहते थे। और वो सनातन गोस्वामी जो भी थोड़ा कुछ भिक्षा मांग कर लाते थे, आटा लेकर आते थे, उसमें जमुना जी जल मिलाकर उसको थोड़ा सेक कर बाटी बना लेते थे, पहले मदन मोहन को भोग लगाते थे फिर खा लेते थे। ऐसा काफ़ी दिन तक चला। तो एक दिन मदन मोहन ने थोड़ा डरते डरते सनातन गोस्वामी से पूछा, यार तुम ये फीकी चीज़ें रोज खिला रहे हो, थोड़ा नमक तो दे दिया करो साथ में। ये सुनकर सनातन गोस्वामी बोले, देखो मैंने पहले ही कहा था, मुझे पता था तुम ऐसा करोगे, मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, आज तुम नमक मांग रहे हो, कल को लड्डू मांगोगे, फिर पेड़ा मांगोगे, कहाँ से ला के दूंगा मैं, करना है तो खुद ही व्यवस्था कर लो इसकी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे मेरा भजन करना है, सेवा करनी है। तो मदन मोहन चुपचाप बैठ गए। उसी समय कृष्ण कपूर करके एक व्यापारी थे, वो अपनी नाव में आगरा की तरफ जा रहे थे कुछ सामान बेचने के लिए, तो उनकी जो नाव थी जमुना जी में अटक गई, चिंतित थे क्या करें, और बारिश कहीं आ गई तो पूरा सामान भीग जाएगा। तो उसी समय मदन मोहन ने एक बच्चे का रूप लिया और उनके पास पहुंचे, अरे नाव अटक गई है, वो उस टीले पर एक साधु रहते हैं, उनकी कृपा होगी तो नाव निकल जाएगी।
तो कृष्ण कपूर सनातन गोस्वामी के पास गए। सनातन गोस्वामी समझ गए कि मदन मोहन की कुछ चाल है। बोले, देखो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मदन मोहन से प्रार्थना करो। कृष्ण कपूर गए, बोले अगर आप मेरी इसमें सहायता कर देंगे तो मैं अवश्य ही आपकी कोई भव्य सेवा करूंगा। तो उसी समय बारिश हुई और बारिश के कारण जमुना जी का जल बढ़ा और बोट अपने आप निकल गई। और कृष्ण कपूर ने उसमें आगरा जाकर जो सामान बेचा बहुत मुनाफा लाभ कमाया और वापस आकर सनातन गोस्वामी को कुछ सेवा अर्पण करना चाहते थे। सनातन गोस्वामी ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अगर हो सकता है तो मदन मोहन के लिए एक विशाल मंदिर, आप भव्य मंदिर का निर्माण कीजिए। तो इस तरह से कृष्ण कपूर ने बहुत सुंदर वृंदावन का जो पहला मंदिर बना 500 साल पहले, जब वहाँ कोई भी मंदिर नहीं था, मदन मोहन मंदिर का निर्माण किया। और आज भी ये मदन मोहन मंदिर दूर से इसके दर्शन कर सकते हैं, जमुना जी के तट पर ये स्थित है। और ये वृंदावन का समझ लीजिए एक मुकुटमणि कहा जाता है, एक टीले पर स्थित है। और इतना भव्य ऐसा मंदिर उस समय ना किसी ने सुना था ना देखा था। और बाकी धीरे धीरे करके उसके बाद और मंदिर बनते गए, जिनके बारे में अगले वीडियोस में हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन ये कथा है मदन मोहन के बारे में। और जब 1670 में वृंदावन में आक्रमण हुए, यही मदन मोहन विग्रह जो थे मंदिर से, उनको शिफ्ट कर दिया गया राजस्थान में करौली नाम के एक स्थान में, जहाँ आज भी वो निवास करते हैं। और वृंदावन में उनकी एक प्रतिभू मूर्ति राधा मदन मोहन मंदिर में स्थित है। उनके साथ एक तरफ राधा रानी है, एक तरफ ललिता जी हैं, जिनको ओडिशा से भेजा गया था। तो ये मदन मोहन मंदिर की कहानी है। और ये मदन मोहन हैं कौन? ये 5000 साल पुराने विग्रह हैं, वज्रनाभ, कृष्णा के जो ग्रेट ग्रैंडसन थे। जब उन्होंने वृंदावन बसाया था तो उसमें बहुत सारे विग्रहों की स्थापना की थी, उसमें एक मदन मोहन थे। तो ये बहुत शक्तिशाली विग्रह हैं। इसके लिए आप सबसे विनती है कि जब भी आप वृंदावन जाएं, राधा मदन मोहन मंदिर का दर्शन अवश्य करें। और उसके साथ ही बाकी जो मंदिरों की भी हम चर्चा करेंगे अगले कुछ दिनों में, उनके दर्शन अवश्य करें, क्योंकि भगवान के भक्तों की इच्छा से भगवान इन मंदिरों में प्रकट हुए हैं, अपनी लीला की है। तो इनमें बहुत कृपा इन स्थानों पर, इन मंदिरों पर बसी हुई है। तो वहाँ जब हम जाते हैं तो वो कृपा हम पर भी बरसने लगती है। वहाँ पर असंख्य आशीर्वाद भगवान के, भगवान की दिव्यता, भगवान की सुंदरता आपको देखने को मिलेगी। हरे कृष्ण।